हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रेड से टेस्टी गुलाब जामुन कैसे बनाएं। तो ये देखिए, बनाने के लिए हमने क्या लिया है। ये इलायची ले ली है, ये दूध लिया है, और ये ब्रेड और ये चीनी। तो हम इन्हीं चीज़ों से आज आपको टेस्टी गुलाब जामुन बनाना बताते हैं। हम इसको साइड में रख देते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। इसको तलने के लिए हमें रिफाइंड की ज़रूरत है। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो हमने ये इलायची ली है, तो इस इलायची का हमें पाउडर बना लेना है। और पाउडर हमें इसमें चाशनी, जब ये देखिए मैंने चीनी ली है, इसकी मैं चाशनी बनाऊंगी। तो चाशनी जो मैं बनाऊंगी, तो इलायची पाउडर बना लूंगी और चाशनी में हमें डालना है। और थोड़ा सा इलायची पाउडर बचा लेना है, हमें ये ब्रेड और दूध मिक्स करते हुए उसमें इलायची पाउडर डालना है। ये देखिए, मैंने ब्रेड ले लिया है। अब हम इसे ये साइड वाला हिस्सा कट करके निकाल देंगे सारा। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। आप भी इसी तरह कट कर लें। अगर मेरा वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखिए, जैसे मैंने इसको कट किया है, तो आप सारा ऐसे कट कर लेंगे। अब हम सारा कट कर लेते हैं। ये देखिए, चीनी से हमने ये चाशनी, ये राब तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरह तैयार कर लें। ये देखिए, मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया था थोड़ा सा। इससे क्या होता है, इलायची पाउडर से और भी ज़्यादा टेस्टी खुशबू आने लगती है। ये देखिए, हमने एक बाउल ले लिया है, एक बर्तन, और जो हमने पहले से ब्रेड कट करके रखा था, हम उसे ले लेते हैं। ये देखिए, हमने ले लिया। और अब इसे इस तरीके से ऐसे पूरा तोड़ देंगे, ऐसे छोटे छोटे सारा कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे ब्रेड को ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे कर लिए हैं सारा ब्रेड। ये देखिए, हमने कढ़ाई इस पर चढ़ा दी है। अब कढ़ाई चढ़ाने के बाद, ये जो हमने ब्रेड को पहले से ही ऐसे कर लिया था, अब हम उसे इसमें डाल देंगे। हमारी चाशनी बन के तैयार हो चुकी है, तो हम ये ब्रेड इसमें सारा डाल देंगे। और अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा इसमें दूध मिलाना है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं मिलाना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा बन नहीं पाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला के इसे बनाना है। ये देखिए, हमारा खोए की तरह बन गया है। तो हमें ज़्यादा इसमें दूध नहीं ऐड करना है, नहीं तो ये हमारा इस तरह नहीं बनेगा। हमें थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड करना है। जो हमने इलायची पाउडर बना के रखा था पहले से, हमने थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर भी डाल देना है। हमने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर से खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने लगती है। तो हमें इसे ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10-5 मिनट के लिए ठंडा होने तक छोड़ देते हैं। फिर हम इसको फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसे सारा एक प्लेट में ऐसे इस तरह से निकाल लेंगे। हमारा प्लेट में ही ये ठंडा हो जाएगा, फिर हमें बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर ठंडा हो जाएगा तो हम और भी ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं इसे। अगर गर्म रहेगा तो हमारा हाथ जल सकता है। ये देखिए, हमारा ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम कढ़ाई में रख देते हैं तेल, जो हमारा गर्म हो जाए रिफाइंड थोड़ा सा। और फिर हम इसे काढ़ेंगे गोला गोला बना के। ये देखिए, हमने कढ़ाई रख दिया है। अभी हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, तो हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें रिफाइंड डाल देते हैं। ये इतना रिफाइंड डाल देते हैं हम, जितना हमारा हो जाए। अब हमारा रिफाइंड जब तक गर्म होगा, तब तक हम इंतज़ार करते हैं, तब तक हम गोली गोले बना लेते हैं उसके। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो रहा है और ये हमने गोली बना ली है। ये देखिए, हमने इस तरह की गोली बनाई है। ध्यान रखिए कि ये गोली फटी हुई ना हो। और आप अपने हिसाब से इसको आकार दे सकते हैं, बड़ा या छोटा, मैंने इतना दिया है। इसी तरह से हम सारा बना लेते हैं। फिर हमारा ये जब रिफाइंड गर्म हो जाएगा तेल हमारा, तो हम इसी में इसको काढ़ेंगे। ये देखिए, हमने ये सारी गोले गोले बना लिए हैं। देखिए, कुछ इस तरह से हमने बना लिया है इसे। और अब हमारा तेल भी हो चुका है, तो हम इसमें ऐसे एक एक इसमें डालेंगे। अब ये देखिए, हम डालना शुरू करते हैं ये कुछ इस तरह से। और इसको हम थोड़ा स्लो आंच में ही काढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ख़राब हो जाएगा। हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाल देंगे हमें इसे घुमाने में आसानी नहीं होगी, ये हमारा ख़राब हो जाएगा, फट भी सकता है। हमें इसे ऐसे आराम आराम से सारा ऐसे करते रहना है। ये देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है।
और बहुत अच्छे से ये पक रहा है, तो हमें इसे अभी और पका लेना है। अब हमारा अभी मतलब पूरी तरह से हमारा ये पका नहीं है, इसको हम पूरी तरह से ब्राउन होने तक छोड़ देंगे। तब तक हम और भी गोलियां बना के रख लेते हैं, जब तक हमारा ये होगा तो हम इसे अब होने तक छोड़ देते हैं, जब तक हमारा ब्राउन हो। ये देखिए हमारा पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है, पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए ऐसे सारा निकाल लेंगे हम कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने बाहर सारे निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से हमारा ये पका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। अभी हम इसे चाशनी में डालेंगे। ये इस तरह से हमने ये प्लेट में निकाल लिया है सारा। ये देखिए अब हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। ये हमने चाशनी में इसको डाल दिया और ये हमारा हो रहा है। तो हमें होने तक इसका इंतज़ार करना पड़ेगा और ऐसे साइड साइड से ऐसे ऐसे इसको करते रहना है, जैसे हमारा चारों तरफ होता रहे। ये हमारा पक रहा है अच्छे से। और ब्रेड से रसगुल्ले बनाना बहुत ही आसान है। आप मेरे वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रसगुल्ले बनाने में। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। देखिए जितना देखने में ये सुंदर होता है उतना खाने में भी अच्छा लगता है। ये हमारा एक साइड हो गया है, तो अब हमें इसे दूसरी साइड भी ब्राउन होने तक छोड़ देना है। ये रसगुल्ले देखिए ये हमारे अच्छे तरह से हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर और चाशनी में डाल देते हैं। ये कुछ इस तरह से हम निकाल लेंगे ऐसे, आप देख सकते हैं हमारा ये भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसको बाहर निकाल के चाशनी में हम इसे डाल देते हैं। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे रसगुल्ले कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे रसगुल्ले किस तरह बने हैं, किस तरह हमने इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए आप देखिए, मैं अब आपको एक कटोरी में इसको निकाल के दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं ये। ये देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप। और मैं इसको स्पून से ऐसे कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छे बने हैं, अब आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए देख लीजिए आप, ये कितने ज़्यादा अच्छे बने हैं। अब आप भी इसे बनाएं घर पे और इसे ट्राई करें बना के और अपने फैमिली को खिलाएं। हमारे ये गुलाब जामुन आपको कैसे लगे हमारे हमारे कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मैं अगले वीडियो से आपसे फिर मिलती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी।